बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपके लिए मैं दुआ अमल लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखें और आपके लिए बहुत ही मुजर्रब है, हर किसी को इसकी ज़रूरत होगी ना। पहले अगर आप चाहते हैं दुश्मन के लिए बताऊँ तो दुश्मन का बता दूँ, या अगर आप चाहते हैं कि आपके काम कारोबार जो चल रहे हैं उसमें और बरकत हो, अगर बंद है तो उसमें वो खुल जाएँ, तो वो दोनों मैं अमल लेके आया हूँ। आप पूरी वीडियो देखें, जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर देके जाएं। तो आजमाया हुआ अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही कुछ ऐसा वैसा अमल नहीं है, आजमाया हुआ है। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ, हर कोई देखे और हर कोई ले ले, इसमें कोई भी ये नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सरदार कोई भी कर सकते हैं ये काम ना, सबके लिए ये अमल है। ये छोड़ दो, इसका मैं बाद में दिखाऊँगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कारोबार में बरकत के लिए। कारोबार चलेगा तो फिर आप दुश्मन भी बनेंगे, दुश्मन से कैसी आपको फतह हो ये दिखा रहा हूँ मैं। अगर किसी का कारोबार ना चलता हो, सख्त मंद का शिकार हो, तो चांद की दिखाई देने की बाद जो पहला पीर आए, मतलब के अमावस के बाद, अभी जो पीर आएगा ना, अभी अमावस गई है, अब पीर आएगा, अब आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे पीर, मंडे के दिन पहला पीर आए, तो नमाज फजर की अदायगी के बाद बावजू हालत में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और ज़ैल में दिया हुआ नक्श लिखकर इस पर दम करें। अब मैंने हिंदू भाइयों के लिए, सरदार जी भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए बोला, तो वो सिर्फ दरूद पाक नहीं आता है, तो उनको सिर्फ इतना ही कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है, दम करें, दिया हुआ नक्श लिखकर इस पर दम करें, मतलब इसकी स्क्रीनशॉट ले, मैं दिखाऊंगा आपको। कारोबार की जगह पर दम कर दें वो जो पढ़ा है आपने, या माले तिजारत में रख दें, या आपके पास माल है जो कमाया हुआ है उसमें भी रख सकते हैं, इस नक्श को रख दें, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से कारोबार खूब चमकेगा। अगर कोई यूट्यूबर्स हैं, अपने वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उनके वीडियो किसी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वो कोई भी हर तरह का, अगर वो चाहते हैं उनके फॉलोवर्स बढ़े, उनका चैनल ग्रोथ हो, तो उससे रابطہ कर सकते हैं, अमलियात के एतबार से मैं करके दे सकता हूँ ना, कारोबार खूब चमकेगा। अगर कोई और दूसरा काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बरकत आएगी, मैंने बता दिया आपको। अगर दूसरे पीर तक फ़ायदा ना हो तो इस नक्श को दरिया में डाल दें, एक ही हफ्ते का ये दिया है, बस एक हफ्ते में आपने आजमाना है, और उसको बाद में तालाब में, बॉडी में, कहीं पर भी पानी में डाल दें, और फिर दोबारा इसी तरह से अमल करें, इंशाअल्लाह ताला मतलूबा मकसूद में कामयाबी होगी बहुत जल्द, और रिस्क में इजाफा होगा, अल्लाह ताला कारोबार में खैर बरकत पैदा फरमाएंगे। इस मकसद के लिए ये नक्श इंतहाई मुजरब और हैरत अंगेज असरात का हामिल है, गुर्बत और इफलास दूर करने के लिए खूब तरह नक्श ये है। तो आपको कोई ज़्यादा ये नहीं है, पहाड़ फोड़ने वाला काम नहीं है, 100 बार दरूद पढ़ना है, और इस नक्श की आपने फोटोकॉपी लेनी है, जेराक्स पकड़ना है, और इस पे दम कर देना है, और जहाँ पे काम कारोबार करते हैं उस वहाँ पे जाके गले में दम कर देना है, पीर के दिन करना है, फजर की नमाज के बाद में, या फिर आप जाते हो जब दुकान पर जाते हो, जब कारोबार के लिए जाते हो, फजर के बाद तो कोई जाता नहीं है, फजर में तैयार करके रख लें, 9-10 बजे 8 बजे जाते हो, तो पहले ये क्या करें, अपने गले में रख लें और इस पर दरूद पढ़कर, दरूद पाक पढ़कर दम कर और आपके गले में या आपकी दुकान की जगह जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पर दम कर दें, तो 100 बार एक पीर तक ही उसका असर दिखेगा। अगर एक पीर में आपको एक हफ्ते में, मंडे टू मंडे 1 वीक, तो अगर नहीं होता है तो उसको पानी में डालकर फिर दूसरी बार एक नक्श को दो निकाल लें, क्या होता है दो निकाल लें, फिर दूसरी बार इस नक्श को एक बार फिर से दरूद शरीफ पढ़ के इसमें जान डालकर पढ़ के दम करके फिर से रख दें, इंशाअल्लाह उसके बाद आपको तीसरा हफ्ता, दूसरा हफ्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप यहाँ पे बहुत कामयाब हो और कामयाबी से चल रहे हो, तो यहाँ पे ये ज़रूर बनते हैं ना, दुश्मन पर गलबा, दुश्मन ज़रूर बनते हैं, हर कामयाब शख्स के पीछे दुश्मनों की अंबार रहती है, मगर कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, सीधी सीधी बात है ना, क्या कर सकते हैं दुश्मन, सिर्फ दुश्मन ही रख सकते हैं। तो जब दुश्मन पर गलबा के लिए, जब दुश्मन बहुत ज़्यादा तंग करते हों और नुकसान पहुंचाने में हर वक्त पेश रहते हों, किसी भी तरह बाज ना आते हों,
जादू कर कर के, औरतों की तरह पीछे से हमले कर कर के, हिजड़ों के पास जाके औरतें कर कर के अगर आपको जादू कर कर के परेशान करते हैं तो आप कोई टेंशन नहीं लें, उसे खुला बोलें जा मेरा एक बाल उखाड़ के दिखा। सर का एक बाल नहीं उखाड़ सकते हैं वो ना जादू कर कर के, मगर करना छोड़ेंगे नहीं वो उनकी फितरत में है। जो दुश्मन रहते हैं वो जलते इस कदर है उनकी फितरत में, वो जल जल कर ही मर जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो जब दुश्मन बहुत ज़्यादा तंग करते हों और नुकसान पहुंचाने में हर वक्त पेश पेश रहते हों, किसी भी तरह बाज ना आते हों, तो ये नक्श बावजू हालत में लिख कर अपने बाजू पर बांध ले। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ जुर्रत ना करेगा और मकलूब होगा, और वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब बोलते हैं ना दूर हो जाएगा या फिर आपके नाम पे नहीं आएगा। इस नक्श को पास रखने से तबीयत बुरे कामों की तरफ मायल नहीं होती, इंसान शरे शैतान से महफूज रहता है, ईमान की सलामती रहती है। इस मकसद के लिए ये बहुत ही मुजरब नक्श है। तो इसकी स्क्रीनशॉट मैं देता हूँ, देख लीजिए। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 786 दिया गया है और इस नक्श में नहीं दिया गया है। जैसे इस नक्श में नहीं दिया गया है, कुछ नक्श होते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के आदाद नहीं आते हैं और जिसमें आते हैं वो लिखे हुए आते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सिर्फ आपको अगर एक दुश्मन है तो उसका नाम लिख के आपके बाजू पे बांध लें, अगर ज़्यादा दुश्मन है तो तमाम दुश्मनान खैर हो उन पे कहार करे अल्लाह, कुछ भी हुक्म लिख दे आप, उनसे हिफाजत हो, ये भी लिख सकते हैं। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद जो है मेरे जो दुश्मन बाज नहीं आए, ये खुला ओपनली बोल रहा हूँ, अगर मेरे दुश्मन बाज नहीं आए, बेंगलोर के अंदर मैं एक ऑफिस खोलूँगा जो कि पूरे बेंगलोर वालों को मैं ऐसा करूँगा कि फ्री कर दूँगा। कोई भी इलाज रहेगा तो जब दुश्मन मुझे और सताएंगे, अगर मेरे काम कारोबार पर नज़र रख कर सताएंगे, तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ मैं खुद एक ऑफिस ऐसी खोलूँगा, अगर वो बाज आ गए ठीक है, वरना उनका बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधकर भागने का टाइम आ जाएगा। मुफ्त कर दूंगा सब ट्रीटमेंट, सब तरह का इलाज बेंगलोर के अंदर मुफ्त कर दूंगा, और उसी जगह पर जहाँ पर उनका बैठना होता है। वीडियो के एतबार से उनको समझा रहा हूँ, समझ गए मेरे नाम तक नहीं आए, अच्छा रहेगा उनके लिए, अच्छा रहेगा, वरना फिर आगे जाकर उनको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि देखा है उन्होंने जादू कर करके उखाड़ तो कुछ नहीं सके, कुछ नहीं उखाड़ सके। और रही हमारे जो हक की बात है वो ज़रूर है, वो जो आप लोग पूछते हो कमेंट्स में, आपके फादर के पास जो काम वाली थी उसने आपकी प्रॉपर्टी दबा ली, क्या हुआ, ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं, बहुत बार पढ़े हैं मैंने जी, वो केस मैंने पेंडिंग डाल रखा है, केस नहीं किया है, क्योंकि जब मरने वाली मरने बैठी है तो हम केस करके क्यों ज़्यादा खींचे उसको। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मरेगी, अल्लाह पे यकीन है मुझे, और मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया कि वो मर जाए। और बाप का हक बेटे के बगैर किसको जाता है, बोलो, माँ बाप का हक होता है, औलाद के बाद औलाद को ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं वल्लेवार चंबार ऐसे लोग थोड़ी लेके जाएंगे जो कि हक मारने बैठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें, दुआओं में याद रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।